स्वामी प्रसाद बौरिया बोले हिंदू एक धोखा, इस पर क्या बार बार हिंदुओं बार बार कर रहे क्यों कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी रोक क्यों नहीं लगा रही। अच्छा नरेश अग्रवाल ने क्या कहा था उस पर आप बताओ। अभी तो पहले समाजवादी थे, आप बताइए आपकी पार्टी की बात करें ना, पूछ रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को बताइए ना, हिंदू एक धोखा है। हमारी पार्टी में सभी विचारधाराओं के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, बुद्ध को भी मानने वाले रहते हैं, अम्बेडकर को भी मानने वाले रहते हैं, लोहिया को भी मानने वाले रहते हैं, भगवान राम को भी मानने वाले रहते हैं, बजरंग बली को भी मानने वाले रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अग्रवाल ने बोला था कि रम में राम बसते हैं, ठर्रे में हनुमान बसते हैं, और क्या कहा था वो भी तक समाजवादी में ही थे उस टाइम। नहीं अब कहा है वो समाजवादी में थे, जब बयान दिया तो समाजवादी में थे। क्या वाशिंग मशीन है उस टाइम तो समाजवादी में थे। सब अपराधी बलात्कारी बीजेपी में पहुंच गए, बयान दिया था उस समय समाजवादी में थे, तो क्या समाजवादी में थे उस टाइम। आपत्ति बयान छोड़ पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान करती है, और यही पीटीए एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और पिछड़े साथी ने अभी बोला भी था कि आज उत्तर प्रदेश में नौकरियां, उत्तर प्रदेश पूरे देश को नौकरी देता था, आज दुर्भाग्य है बीजेपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार की तरफ जाना पड़ रहा है, और बीजेपी के शासनकाल में उल्टी गंगा बह रही है। ये बताइए नौजवानों का अपमान। इसलिए हम लोग पीडीए पंचायतों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जाएंगे, और यही पीडीए पंचायतें बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वहाँ कोई पिछड़ा दलित सब आउटसोर्सिंग पे है, कोई नेता नहीं है बीजेपी में, सब आउटसोर्सिंग और संविदा पे है। और अगर संविदा और आउटसोर्सिंग पे ना होते तो वो जाति जनगणना की बात क्यों नहीं कर रहे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने बिना उठाया है जाति जनगणना का, कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है जब तक सामाजिक शैक्षिक आर्थिक लोग जिस दल में गए हैं वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस दल में ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। ये लोग किसी गणना के चक्कर में नहीं है, ये अपने बेटों की गणना कराना चाहती कि और कोई गणना नहीं है, ये जाति जनगणना नहीं चाहते। चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, क्यों नहीं आरक्षण की बात करते जब वो सत्ता में नहीं थे, और इनके बेटे को भी पहली बार सांसद किसने बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया। और 17 जातियों को कश्यप निषाद बिन धीमर मल्ला कहार गुड़िया माझी मजबार रखवा तुराहा भर राजभर कुम्हार प्रजापतियों को भी अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और जिस सत्ता जिस सरकार में वो बैठे हैं, डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी, उनके रहते हुए हम लोगों का हक अधिकार छीना गया, उनके संरक्षण में छीना गया, उनकी सहमत से छीना गया। हम लोग आरक्षण भर जी किस दल में रहेंगे, किस दल में नहीं रहेंगे, कब क्या बोलेंगे, कब वो तो बाबा को कह रहे थे मंदिर में भेजेंगे, वो मोदी जी के लिए क्या कह रहे थे, योगी जी के लिए क्या कह रहे थे, शाह के लिए क्या कह रहे, अब तो वही दिल्ली दिख रहे हैं घंटी बजा रहे हैं, तो उन्हें बनने के लिए घंटी बजा रहे हैं क्या। वो मैंने बताया अपने बेटे के, वो राजभर समाज के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने बेटे के आरक्षण की बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद निषादों के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने बेटे और अपनी टिकटों के आरक्षण, कितनी टिकटें मिली थी, कितने निषादों को दे दी डॉक्टर संजय निषाद। अब इनका ताना बाना सबका खुल चुका है, अब कोई नहीं पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक अगड़े और महिलाएं, और अगड़े भी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, और बीजेपी में जो लोग गए हैं उनकी घर वापसी भी हम लोग जनता जिताती हराती। लड़ने का तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, यहाँ भी वो बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे, यहाँ भी तो वो ठेका लिए थे, यहाँ तो ठेका लिए थे, लगता सब उनके गुलाम हो गए। नेताजी आपके मंच से आपके नेता ने कहा कि यादवों को महत्ता दी जाती है समाजवादी पार्टी में, ये यादवों की पार्टी, इस पर क्या कहेंगे, पार्टी में बीजेपी ने भ्रम फैलाया। अरे आपके आपके नेताजी अभी मंच से यादव ने कहा था, नेताजी जो कह रहे थे वो हमारे नेताजी हैं। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इसी के लिए तो ये पीडीए पंचायत रखी है, जो बीजेपी ने भ्रम फैला दिया हर आदमी के दिमाग में। जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, बीजेपी का आरोप है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया बने वो अखिलेश यादव बने, परिवारवाद की पार्टी का आरोप लगा, इस पर क्या कहेंगे। आपने सवाल कर लिया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 46 में 56 SDM यादव हो गए, बताओ आप।
कोई नहीं सो रहा, बीजेपी जो सोई हुई बीजेपी है। हम लोगों का चिंतन शिविर चल रहा है, हम लोगों का चिंतन शिविर चल रहा है, मंथन शिविर। और दूसरी बात, वहाँ बीजेपी जो भांग का गोला खा के क्या क्या निर्णय कर रही है, इस पे भी सवाल करो आप। भांग कम दिया गया, मैंने पहले ही बता दिया, बीजेपी हर मोर्चे पे विफल हो गई है। अब भगवान राम का सहारा लेना चाहती है, अब भगवान राम भी इनको बख्शने वाले नहीं है, इन पापियों का घड़ा भर चुका है। करोड़ों हिंदुओं, देखिए हम समाजवादी लोग हैं, हम सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान करते हैं और हम कभी किसी धर्म को बेचने का काम नहीं करते हैं। बीजेपी बेचने का काम करती है, हम विकास को जनता का मुख्य मुद्दा बनाएंगे। माया जाल सब टूट जाएगा। जब लोग इसी देश में अंग्रेजों को भगा दिया जनता ने, और जो अंग्रेजों के प्रशिक्षित लोग जो शासन कर रहे हैं, इनको भी भगाने का काम जनता करेगी। तो बता दो ना हमें, बीजेपी में किसकी टिकट फाइनल है, एक टिकट बता दो हमें। हमारी माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई है, बीजेपी इस बार चारों खाने चित होगी, जैसे घोसी में चित। इंडिया गठबंधन, वो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करेगा। आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब बीएसपी से छोड़ के भी इसी दल में आ गए हैं, और सब और बहुजन लोग बाबा साहब को मानने वाले, माननीय मुलायम सिंह कुयानों को मानने वाले, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले, और सब एकजुट हो चुके हैं। अब बीजेपी पीडीए राम मंदिर जाएगा, पीडीए देखिए, ये पहली बात तो जब राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा है क्या? अरे हम लोग मानते हैं, अरे हम लोग तो महाराज निषाद राज के खानदान में पैदा हुए, तो भगवान राम वनवास के, तो हम लोगों ने सेवा की, लेकिन भगवान राम सबके हैं, बीजेपी की बपौती नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र का मंदिर जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, जिसकी मुखिया आदिवासी राष्ट्रपति है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, वो लोकतंत्र का मंदिर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, संविधान की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की निर्णय की वजह से मंदिर बन रहा है, बीजेपी की वजह से मंदिर नहीं बन रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यही बात माननीय मुलायम सिंह यादव कहते थे, यही बात समाजवादी लोग कहते थे, और यही बात मुस्लिम भी कहते थे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा उसी फैसले पे हम। ये मोदी जी कितनी बार जेल गए बताओ, राम मंदिर आप जाएंगे मंदिर, राम मंदिर में कितनी बार कौन आप जाएंगे? अरे हमारे तो आराध्य, हम तो जाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग जेल गए राम मंदिर के लिए, हम लोग गोली चलाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी गए जेल बताओ ना, योगी गए जेल, और जो मंदिर के लिए जेल गए उमा भारती, विनय कटियार, ये कहाँ है बताओ ना, ये बताओ कहाँ है। और राष्ट्रपति जो जो राष्ट्रपति राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको क्यों नहीं मंदिर में बुलाया जा रहा? हम दलित बैकवर्डों को, आदिवासियों को तो अछूत समझते हैं, ये लोग मूर्ति छूने तक नहीं देते। एक वो सुब्रत पाठक, इनके जैसे लोगों ने तो हमें मंदिरों में घुसने नहीं दिया। ये माननीय अखिलेश यादव जी का तो घर गंगा जल से धुलवाते हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, हमको तो अभी माननीय अखिलेश यादव की जो अपवित्र समझते हैं हम दलित बैकवर्डों को, हम लोग इकट्ठा होकर पीडीए की पंचायतें करके इनको उखाड़ फेंकने का। जनता पार्टी के साथ है, बड़ा छोटा नेता नहीं होता। इसी बड़े नेता ने यहाँ ठेका लिया था, डॉक्टर संजय निषाद ने, ओम प्रकाश राजभर ने, यहाँ के निषादों ने, राजभरों ने बता दिया, तुम बड़े नेता नहीं हो सकते हो, तुम अपने घर की बात कर सकते हो, तुम आरक्षण की बात नहीं कर सकते। था कि उन्होंने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री यादव नहीं बनेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बना करके यादव के मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ। तो एक बड़ा करारा चोट दिया आपको, इसमें क्या कहेंगे आपको? आप बता रहे हो यादव मुख्यमंत्री बना, बना यादव मुख्यमंत्री बना माननीय अखिलेश यादव की वजह से, और जितने पिछड़े और दलितों को, अरे बात तो सुनिए, जितने पिछड़े दलितों को अगर बीजेपी में सम्मान मिला है वो माननीय अखिलेश यादव की डर की वजह से। मैं बता रहा हूँ वहाँ संविदा मुख्यमंत्री है, परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री है,
उठा सकते हैं सर। वहाँ जितने पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक हैं वो सब संविदा पे हैं। तो ये आप मानते हैं ना कि मुख्यमंत्री बने हैं यादव समाज के? आप मानते हैं ना भाजपा ने बनाया मुख्यमंत्री यादव समाज के? भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। क्या कर रही है? आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया लेकिन संविधान के मंदिर के भी उद्घाटन में नहीं बुलाया। बताओ ना, तो आप जाएंगे? आप लोग जाएंगे ना मंदिर? क्या बीजेपी की बकौती है? हम जाएंगे, हमारे तो राम